नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप लोग पुराने सिक्के या पुराने नोट बेचना चाहते थे, लेकिन आपने काफ़ी सारी कोशिश की फिर भी आपको ऐसे नोट या सिक्के खरीदने वाले नहीं मिले। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ है फ्रॉड अलर्ट वाले नरेश कुमार जी। तो आज इन्होंने हमें कुछ बताया है, यानी ऑनलाइन एक ऐसी जगह या ऐसे व्यक्ति हमें मिले हैं जो ये बता रहे थे कि ऐसे व्यक्ति मिले हैं जो अपने सिक्के या नोट बेचने के दावे कर रहे हैं। दोस्तों बिल्कुल जिनके सिक्के बिक चुके हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमें हज़ारों मिले, कुछ कहते हैं लाखों मिले। तो ये क्या सच्चाई है और कौन से वो व्यक्ति है और कौन सी वो जगह है जहां पे ये लोग दावे कर रहे हैं और इनके सिक्के या नोट किसने खरीदा? दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही काफ़ी सारे सवाल है। तो सबसे पहले हम फ्रॉड अलर्ट वाले नरेश जी का वेलकम करते हैं और इन्हीं से इस पूरी हकीकत का जो पर्दाफाश करवाते हैं और कैसे आपके बिकेंगे वो चीज़ें क्लियर करवाते हैं। जी आपका वेलकम। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही बताया कि एक ऐसा जो एप्लीकेशन है या ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे किसी लोगों के सिक्के बिके हैं। बिल्कुल ये सच्चाई है या नहीं है इसकी भी हम दोनों अभी चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ हमारे को जहाँ तक जानकारी में आया है, बहुत सारे लोगों के हमने वीडियोस देखे हैं, वो सब लोग यही कहते हैं कि हमें पैसे मिले हैं भाई। जी सर, एक ये है कि आप हर एक बार मैंने देखा है आपके वीडियोज में यही कहते हो कि ऑनलाइन सिक्के या नोट नहीं बिक रहे, लेकिन ये पहली बार आपने हमें ये बताया था कि यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें लोग दावे कर रहे हैं और मेरे हिसाब से वो 99 या कुछ 80% मान सकते हैं उसमें फीमेल है, यानी लड़कियाँ दावे कर रही है। तो आप दोस्तों समझ सकते हो कि हो सकता है ये चीज़ें सही हो। तो क्या सर ये इंडिया या इंडिया से बाहर के भी है? देखिए मैं जो भी बात बताता हूँ प्रूफ के साथ बताता हूँ जी। कोई भी हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, हम ये दावा नहीं करते हैं कि वो बंदा खरीदता है, लेकिन जहाँ तक उसका जो पूरा प्लेटफॉर्म है ना, उसमें जितने लोगों के वीडियोस डाले गए हैं ना, वो यही कह रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं, हमें पैसे मिले हैं, आई एम वेरी हैप्पी। और इसमें विदेशी भी है। अच्छा, यानी विदेशी कंट्रीज के भी लोग हैं। ये अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय कॉइन बायर बताता है। अब ये खरीदता है, लोगों को पैसे दिए हैं नहीं दिए, मैं आपको इसकी पूरी जानकारी अभी आपके सामने ही दे दूंगा। अच्छा, यानी कि ये कैसे खरीदता है? दोस्तों कैसे खरीदता है, क्या इनका शेड्यूल, ये चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले तो आप एक दो वीडियो दिखा देता हूँ मैं आपको। जी जी, कुछ लेडीज के भी दिखा देता हूँ, कुछ जेंट्स के भी दिखा देता हूँ, वो क्या कहते हैं आप सुन लीजिए। देखिए सबसे पहले सुनिए। Just see what I can do for my family and move on from. It is very much because I get the money. So friends, अगर आप लोगों के पास में इसका ये दूसरा दिखा, यानी दोस्तों आपको एक-एक करके देखिए, ये देखिए। Thank you. धन्यवाद दे रहे हैं कि आपका हमारा सिक्का है जो बिक चुका है। और अभी जेंट्स के भी दिखा देता हूँ एक दो आपको। ये लिए वेरी मच हैप्पी फॉर व्हाट यू हैव डन टू मी। थैंक यू रिलायबल ट्रेडिंग एक्सपर्ट्स, आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर व्हाट यू हैव डन टू मी। थैंक यू। मतलब सब अलग अलग विदेशी भी है सर। थैंक यू। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे इनके सिक्के बिक चुके हैं भाई। तो अब इसकी क्या हकीकत है रोहित जी, मैं आपको पूरी जानकारी इसमें देख लीजिए, आप खुद इसमें जानकारी लीजिए, इसमें खुद पता कीजिए कि इनकी, अब इनकी देखिए, ये तो पैसे ही बता रहे हैं। देखिए ये देखिए मेरी पर्ची और मेरा अकाउंट में इस लॉटरी के जरिए पूरा पैसा आ चुका है, मैंने अभी अभी चेक किया है। मैं अब देखिए, यानी ये मैडम दावा कर रही है कि मेरे अकाउंट में पैसे आ गए हैं। तो सुनिए जी, वापस सुनिए दोस्तों, आप भी देखिएगा दोस्तों, ध्यान लगा के देखिएगा। पहली बार 12,200 रुपए पूरा ड्रॉप कर दिया है। ये देखिए मेरी पर्ची और मेरा अकाउंट में इस लॉटरी के जरिए पूरा पैसा आ चुका है, मैंने अभी अभी चेक किया है। मैं यानी ये दावे कर रहे हैं कि हमारे अकाउंट में पैसे आ गए हैं। तो बिल्कुल दोस्तों आप लोग भी ऐसी ही चीज़ों का वेट कर रहे थे। तो अब आपको हम इनसे एक एक करके ये सवाल जो ये मैडम से है या जो जेंट्स है, ये क्या क्या बता रहे हैं और इनके कॉइन्स बिके या नहीं बिके या ये कितनी सच्चाई हो सकती है, ये हम इनसे जानेंगे। क्या वास्तव में इनके कॉइन्स बिके तो हमारे भी बिकेंगे। दोस्तों हमने भी काफ़ी वेट किया है। तो सर हमें ये बताइए कि ये जो,
अगर इनके बिके हैं तो अपने सौभा बिके भाई अपने भी बिकेंगे, क्योंकि अपने पास फैमिली बहुत बड़ी है। हो सकता है इनके पास कोई अलग प्रकार के नोट हो तो वो भी अपने दोस्तों के पास मिल जाएंगे, 100% मिलेंगे। तो अब इनकी हकीकत क्या है, देखिए इंस्टाग्राम का एक पेज है दोस्तों, मैं आपको बताऊँ वहाँ पे अपने आप को ये पेज वाला दावा करता है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय कॉइन बायर हूँ, मैं सबके कॉइन खरीदूंगा और मैंने खरीदे हैं। यानी सर यानी कि सर विदेश में भी कॉइन्स खरीदता है ये? बिल्कुल यही कर रहा है, दावा तो यही कर रहा है। अब इसकी क्या सच्चाई है आप खुद पता करना अभी। ये बात तो सर इसमें जो ये जो मैडम दावा कर रही है कि हाँ हमारे सिक्के बिके हैं, हमारे नोट बिके, ये क्या है कि क्या सच में बिके हैं इनके? देखिए मेरे को तो ऐसा नहीं लगता है कि इनके नोट बिके हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ये बॉयर अपने आप को बता रहा है, एक प्लेटफॉर्म बना के बैठा है, इंस्टाग्राम की आईडी बना के बैठा है, लोगों के वीडियोस डाल रखे हैं, इस हिसाब से मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये बंदा इन लोगों को कुछ कह के या कुछ इसको अलग तरीके से इनसे कह कर और वीडियोज़ बनवाए हैं और फिर इसके जो पेज है, इसका जो भी पेज है उस पर अपलोड किया है। लेकिन फिर भी मैं आपको अभी कंफर्म नहीं कर सकता, क्योंकि जल्द ही हम इसकी जानकारी लेंगे, उसके बाद में आपके जो जितने भी फैंस हैं उनको बताएंगे इसकी डिटेल्स अलग से। सर इसमें काफ़ी सारा सारी जो लेडीज है वो ये दावा करती नजर आ रही, मान सकते हैं कि जो जेंट्स होते हैं उनको तो चलो आप जो बता रहे हो कि पैसे दे के भी वीडियोज बनवाए जा सकते हैं, हो सकता है ऐसा भी, लेकिन ये मेरे को थोड़ा 50-50 वाला लग रहा है। तो क्या सर, इसमें ऐसा है कि जैसे आप अभी गुजरात गए थे तो कॉइन्स खरीदे थे या नहीं खरीदे थे? जी खरीदे थे। खरीदे थे ना, वो मैं नहीं कहता कि आपने लाखों दिए, लेकिन दिए तो है जी भाई, 20,000 दिए, 5,000 का बन रहा था वो दिए हैं, कोई भी नोट या ऐसा सिक्का था जिसका जितना पेमेंट बन रहा था वो बिका होगा जी। तो ऐसा भी इनका भी कहीं ऐसा कोई सिक्का रियर कॉइन्स था वास्तव में, वो बिक सकता है। हाँ, वही हो तो सकता। इनकी छोटी बड़ी क्लिप बनवा सकते हैं और इस पे अपलोड कर सकते हैं, जैसे आप वहाँ पे गए थे तो आप चाहते तो आप भी बनवा सकते थे। हाँ, जैसे कि हमने हमारा नोट बिक चुका है, रोहित जी ने खरीदा है, वो खरीदा है, इनका बायर आया है उसने खरीदा है, बनवा तो सकते थे। अब उसी क्लिप को आप किसी पेज पे डालते या आप आपके चैनल पे डालते, कहीं भी प्लेटफॉर्म पे डालते और फिर आप नंबर प्रोवाइड करवाते कि हम खरीदते हैं, तो आपसे लाखों लोग संपर्क करते। यानी सर ये 50-50 का हो सकता है, अभी हम हमारी यहाँ से आपको पुख्ता ये कन्फर्म नहीं कह सकते कि हाँ ये रियल है, लेकिन हो सकता है ऐसा भी। मैं अभी भी आपको ये जरूर कहूँगा कि आप अगर ट्राई करते हो तो इसको पैसे नहीं देवें। हम इसकी बारे में थोड़ी सी एक दो दिन में कंफर्म करेंगे, इनके जो जितने भी वीडियोस डाल रखे हैं उनसे हम पर्सनल बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कल मेरे चैनल पे भी मैंने बताया था आपको, कोशिश कर रहे हैं एक दो बंदों से बात बनने की कोशिश है, क्योंकि नंबर मिले हैं उनके, तो हम जैसे ही कोशिश करेंगे उनसे बात करेंगे, उनसे पूरी हकीकत जानेंगे। उससे पहले आप किसी से भी संपर्क नहीं करें, ना ही इंस्टाग्राम पर ऐसी आईडी को ढूंढ के उसको फॉलो करें, क्योंकि हमें लगता नहीं है कि ये रियल है, वास्तव में ये सच्चाई के साथ है, क्योंकि जिस तरीके से इसने वीडियोस डाल रखे हैं हमें सर, थोड़ा सा डाउट लग रहा है। सर एक ऐसा भी तो हो सकता है कि इनके जो वीडियोस के नीचे नंबर भी दिए गए हैं, अगर ये लोग ये डिमांड करते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए या किसी पैसों की मतलब आपको पैसे देने होंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि ये अपने मुख से बताते हैं कि हमारा सिक्का बिका है, ये इसने खरीदा है, इस प्रकार से कह रहे हैं, तो इसमें क्या है? अब इसी की चर्चा अब हम डायरेक्ट एक दोस्तों आपको बता दूं, हम डायरेक्ट इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करके मैसेज करने वाले हैं, अभी हम साथ बैठे बैठे ही करेंगे और हो सकता है हम इस बंदे से डायरेक्ट रूबरू बात करेंगे जी। ताकि अभी हकीकत पता चल जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से लोगों के वीडियोस डाल रखे हैं, लोगों के नंबर नहीं है, ये नंबर उसी बंदे के हैं जो बंदे जिस बंदे की आईडी है, अच्छा, जो बंदा कॉइन बायर अपने आप को कह रहा है उसी के नंबर है, नहीं, तो पर्सनल सर, लोगों के नंबर नहीं है। सर अगर मान लीजिए कि कोई कॉन्टेक्ट करता है ऐसे वीडियोज देख के, मान लीजिए इसके अलावा कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी जो मिलते हैं तो वो पैसों की डिमांड करते हैं, उसमें हमें क्या करना चाहिए? देखिए मैं तो शुरू से, आप भी यही बात कर रहे हो, मैं भी यही बात कर रहा हूँ भाई, 1 रुपया भी नहीं देना है। कहीं आपसे कहे कि 1 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा तो वो भी आपके साथ कहीं ना कहीं किसी तरीके से स्कैम करने की कोशिश कर रहा है जी सर। भाई मैंने एक बंदे से बात की थी, सबसे पहले उससे रजिस्ट्रेशन चार्ज 1 रुपया ही डलवाया गया था। अच्छा अच्छा सिर्फ 1 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज डलवाया, फिर पता नहीं उसके किस तरीके से उसको फंसाया, लालच दिया गया और उसके साथ 35-40 हज़ार रुपए का स्कैम हुआ था। अच्छा, यानी 1 रुपीज के बाद में 35-40 हज़ार रुपए का उनके साथ फ्रॉड हो चुका है, तो ऐसी चीजों पर हमें विश्वास नहीं करना है जो पैसों की डिमांड करते। बिल्कुल, पैसों की जहां पे बात चल रही वहां पे उसको ब्लॉक मार दीजिए और वहां से निकल लीजिए भाई जी। सर एक ये कॉइन्स काफी सारे लोगों से जब भी हम ऑनलाइन कांटेक्ट करते हैं तो ये कहते हैं कि हम इस कंपनी से बात कर रहे हैं या उस कंपनी से बात कर रहे हैं, तो क्या सर सच में ऐसी कोई कंपनी होती है जो सिक्के या नोट खरीदती है? देखिए मेरे हिसाब से तो आप मेरे से ज्यादा घूमे हो
आपने देखा भी होगा काफी जगह घूमे, मैं तो एक एग्जीबिशन मानता हूँ, एग्जीबिशन वास्तव में लगता है क्योंकि मैं भी वहाँ पे गया हूँ। इसके अलावा हमने कोई ऐसी कंपनी नहीं देखी है, ना ही कोई कंपनी वाले से ऐसा कॉन्टेक्ट हुआ है, हमने तो ये फ्रॉड लोगों से बातें की है और इन्हीं से वीडियो बनाए हैं, लोगों को सतर्क किया है भाई। जी बिल्कुल। साथ ही सर आपने जो ये लोगों को बताया था कि शुरू में, आजकल आप लोग ये न्यूड के बारे में बता रहे हो, न्यूड कॉलिंग के बारे में, तो ये कॉइन्स वाला जो आपने शुरू में बताए थे, क्या सच में इससे लोग जो है सचेत हुए हैं पैसे डालने से? इसके बारे में तो मैं क्या कहूँगा, आप लोगों से कमेंट में पूछिए, आप दोस्तों लोगों, आप भाइयों कमेंट में बताइए रोहित जी को, क्या वास्तव में लोगों के साथ स्कैम होना कम हुआ है, हमारे वीडियोज से कहीं ना कहीं जानकारी मिली है या नहीं मिली है, तो आप खुद ही बताइए रोहित जी को कमेंट करके कि क्या सच्चाई है, क्या वास्तव में आप सब तक ये जानकारी मिली है हमारे द्वारा कि वास्तव में इनसे हमें पैसे नहीं देने चाहिए, इनको कुछ भी हमारे पर्सनल डिटेल्स नहीं देनी चाहिए, आप खुद बताइए कमेंट से। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आपने बिल्कुल एकदम क्लियरली समझा और कैसे है ये ऑनलाइन जो बायर होते हैं किस प्रकार से ये अपना जो पूरा शेड्यूल बना के डालते हैं, तो ये इनके इंस्टाग्राम वालों की और ये जो सोशल साइट्स होते हैं इनकी क्या सच्चाई, ये जल्द हम आपको फिर से बता देंगे। हमारे जो फ्रॉड अलर्ट चैनल या ट्रू इवेंट पे आपको किसी पे भी कोई सा भी वीडियो मिल सकता है, तो जो भी आपको वीडियो मिलता है प्लीज़ देखते रहना, क्योंकि हो सकता है इसमें 50-50 के चांस है, तो हो सकता है कि सही भी निकल जाए या गलत भी निकल जाए, ये चीज़ें हमें एक बार इनका पूरा जो है जानकारी लेने के बाद आपको बता सकते हैं। तब तक दोस्तों आपका भी धन्यवाद, यहाँ तक वीडियो देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी रोहित जी, थैंक यू जी। तो दोस्तों जय हिंद, राम राम।